guys, what's up? I am Swarnabhu and once again welcome back to our channel. So I have made this video in honor and respect of our former president Sir Pranab Mukherjee. So I hope you people will watch till end without skipping, and I have some tips to share with you people regarding this video. So I'm starting the video, don't skip, watch till end please. Guys, reference photo link in description box. If you want to collect it, then go and check out from the link in description. So guys, कुछ टिप्स के बारे में बात किया था जो दूंगा वो इस वीडियो में, मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा पोर्ट्रेट को बनाने में। और ये पोर्ट्रेट जो आप देख रहे हो एकदम सस्ते पेपर के ऊपर बनाया है, और वो है आर्ट पेपर। और मेरे ख्याल से वाटर कलर के लिए आर्ट पेपर से सस्ता पेपर नहीं है, और ये मार्केट में आपको कहीं पर भी ईजिली मिल जाएगा। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो मार्केट से, एकदम ईजिली परचेस कर सकते हो। बट गाइज, इफ यू आर अ बिगिनर देन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा थीक GSM वाला पेपर यूज़ करिए, जैसे कि हैंडमेड पेपर या फिर आप कार्टिज पेपर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आर्ट पेपर के ऊपर तभी आपको जो मज़ा है समझ में आएगा जब आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि टेक्स्चर के ऊपर तभी काम करके मज़ा है जब आपका वाटर कलर के ऊपर लाइट वॉश देना आ जाए, और इससे आपका पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनेगा, उभर के आएगा। और जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है आर्ट पेपर को कार्टिज पेपर से, वो ये है कि कार्टिज पेपर में स्मूथ सरफेस होता है, टेक्सचर एकदम भी नहीं होता। तो आर्ट पेपर के ऊपर टेक्सचर अच्छा है तो काम करके देख लो, मज़ा आएगा। तो और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा लगा आप खुद ट्राई करो और मुझे बताओ, और नेक्स्ट वीडियो पे क्या बनाना चाहिए वो भी सजेस्ट कर दो। तो गाइज, वीडियो देख लो विदाउट स्किपिंग, ये मेरा रिक्वेस्ट है, और एंड तक देखो। गाइज, और एक छोटा सा टिप्स आप लोगों को दूंगा कि वाइट हेयर के लिए कभी भी ग्रे अप्लाई मत करो, वायलेट से लाइट वॉश फर्स्ट टोन पे दे दो, और उसके बाद सैफ्रन को यूज़ करो, उसके साथ पंच करो वायलेट, दोनों मिक्स करके थोड़ा डार्क कलर बनाओ और फाइनल डिटेल्स कर दो। ज़्यादा हेयर को लेकर ज़्यादा कुछ स्ट्रोक्स दोगे तो हेयर खराब हो जाएगा, पेपर वाइट छोड़ देना चाहिए उसके लिए। तो जब मैं हेयर करूँ उसको देख लेना किस तरह से मैंने स्ट्रोक दिया। और ये छोटा सा टिप्स था, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट पे पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा।
And guys, if you want to share your artworks with me, then follow me in Instagram and tag your artworks. और अगर आप चाहो तो Facebook पेज पे भी हमें follow कर सकते हो. हर जगह इसी नाम से है, स्वर्णभ एनर्जी आर्ट. तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा. और वीडियो कैसे लगा कमेंट पे ज़रूर बताना. थैंक यू. I hope you people have liked the video and remark your comments in the comment section and share with your friends and subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So guys, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं next video पे. तब तक के लिए stay safe, stay connected and keep practicing. Bye.